गाइस सोचा जिम के निकल लेता हूँ, बारिश अब रुकी है तो, लेकिन गाड़ी में कैसे जाऊँ, पानी भरा पड़ा ऊपर से, जूते भी कपड़े वाले हैं पूरे, जूते गीले हो जाएंगे, गाड़ी में कैसे घुसूँ मैं, शीश शर्ट घुसूँ कैसे बताओ ना, बैठे हुए बता ही नहीं रहे घुसूँ कैसे अंदर, देखना भाई गाड़ी का टायर, चलो इतना पानी नहीं है कि गाड़ी का टायर, मतलब चलो रुको ट्राई करते हैं, वेट, मम्मी राम 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 राम, ओ गाड़ी नहीं खोली, शिट गया भाई पैर पानी, रुको तुम ये वेट करो, एक तो यहाँ पे हैंडल भी नहीं होता ऊपर, आ गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, और कैसे हो आप सब। मैंने पिछले सैटरडे संडे दो दिन कोई व्लॉग नहीं किया, तो यार नींद आ रही थी एक्चुअली, काम वाम थे, पापा को डॉक्टर वॉक्टर के पास लेके जाना था थोड़े घर के, और काम थे, मन भी नहीं कर रहा था यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ व्लॉग, तो मैं सो रहा था आराम से। और यार मेरी वो एमएटी रिव्यू पे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, उस वाली वीडियो पे आई गेस अभी तक, उस वाली वीडियो पे आई गेस अभी तक 3,000 के आसपास व्यूज हो गए हैं, थैंक यू सो मच यार उस वाली वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। बाकी के यार ब्लॉग्स भी देख लिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, भेज दिया करो अपने दोस्तों को, और जितने भी तुम सब एमएटी आ रहे हो भाई, एमएटी में मिलेंगे सारे, आग लगा देंगे एमएटी में, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। यार अभी जिम जाते हैं, पहले सैटरडे संडे रेस्ट हो गया जिम का, पिछले हफ्ते में 3 दिन हुए हैं रेस्ट जिम का, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जिम जाऊँ, और क्यूट पिंपल भी हो गए मेरे को, एक क्यूट पिंपल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, 3 क्यूट पिंपल हो गए, एक और करवा लेते हैं क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चलो 4 ही हो गए रे। तो भाई 5 किलोमीटर की रेंज है, 5 किलोमीटर की, मेरे को नहीं पता है गाड़ी पेट्रोल पंप तक भी पहुँच पाएगी या नहीं, शिट। तो आज भाई वेंटो रिव्यू हो जाएगा कि वेंटो पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाती है, तो चलो यार मैं गाड़ी वाक करके जल्दी से पहुंचू भाई, मेरी फट रही है गाड़ी, बीच में रुके ना रिजर्व पे, देखते हैं कितना चलती है आज। आधे रास्ते आ गए हैं अभी भी, देखो 5 की रेंज आ रही है, 2-3 किलोमीटर तो मैं चला चुका हूँ गाड़ी, अब मेरे को ये नहीं पता कि आगे गाड़ी पहुंच जाएगी, अब तो 5 की अगर अभी भी आ रही है तो साला कितना ही कम होगा इससे, 1 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल से आगे। ग्रेट सक्सेस वेंटो गाइस, चला पेट्रोल पंप देखना अभी, इसके बारे में एक बात बताता हूँ ध्यान से देखना, कहाँ गया ये वाला पेट्रोल पंप, ठीक है अभी बताता हूँ इसके बारे में कुछ। तो गाइज मैं इस वाले पेट्रोल पंप से मैंने अभी 1,000 के भरवाया, मैं ज़्यादा का नहीं भरवाता यहाँ से, क्योंकि ये भाई स्कैम करते हैं साले, हवा भर देते हैं, पता है तुम्हें वहाँ पे मीटर में भी दिखाएगा कि हाँ भर रहा है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं भरेगा। अभी जैसे मेरी गाड़ी में उस बंदे ने मैंने कितना 97 का पेट्रोल है, ठीक है, तो मैंने 1,000 का भरवाया तो आया 10.30, ठीक है 10.30 लीटर आया, तो अब ये क्या करते हैं, वो दिखाएगा वहाँ पे 10.30, लेकिन वो 10.30 नहीं आया होगा, वो आया होगा कम कुछ 9 लीटर आया होगा, तो ये लोग यहाँ पे साले स्कैम करते हैं इसलिए इनके यहाँ पे भरवाते नहीं है। मेरे एक बार एक फ्रेंड आई थी स्कूटी में भरवाने, तो उसने क्या किया, बंदे ने आगे वाले का कंटिन्यू करके डाल दिया, अगर आगे वाले ने 200 का भरवाया और उसने बोला कि 200 का डाल दो, नहीं उसने अगर बोला कि 300 का डाल दो, तो उसने क्या किया उसका 200 जो आगे का ऑलरेडी चल रहा था 100 का और डाला और बोला कि मैंने नया डाला है। ऐसे लोग स्कैम करते हैं, तो इनके पास से भरवाता नहीं गाड़ी। रुको रुको गाइस, मस्त वर्कआउट हो गया, पसीना देखो, बस मेरे को जिम में गुस्सा इस लोगों पे आता है जिन लोगों की ऑलरेडी बॉडी बनी होती है ना, वो दादागिरी करते हैं जिम में, वो बहुत चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग होती है बस। बाकी तो अच्छा दिन था आज का, बहुत पसीना आ गया, मैं घर जाऊंगा जल्दी से, फिर पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। किडिंग्स कर रहा था, मिलते हैं अभी, तो अब हम चलेंगे सीधा घर, ठीक है आज नए स्टाइल में घर जाएं, आज नए स्टाइल में चलते हैं, चलो ठीक है। 1 2 आ गए घर भाई, इतनी अच्छी गाड़ी धुलती है बारिश में, लेकिन ये पेड़ के नीचे देखो, पेड़ के नीचे खड़ी होती है पूरी, ये देखो कितनी गंदी हो गई है गाड़ी, पेड़ के नीचे खड़ी होने से ऊपर सारी मिट्टी आ जाती है गाड़ी पे। अभी मैं पापा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, रिपोर्ट लेनी थी, तो साथ में मैंने पीछे देखो रोटी बनी पड़ी थी, होता है कि घर में काम वाली आके कुक जो आंटी आती है वो रोटी बनाती है और मैं फिर खाता नहीं हूँ तो वेस्ट चल जाती है, तो आज भी हमारा बाहर का खाने का प्लान था, चिकन खाने का, तो मैंने मम्मी को बोला कि जितनी रोटियाँ पैक कर दो मैं साथ में वही खा लूँगा, रोटी भी वेस्ट नहीं जाएगी बच जाएगी, नहीं तो वेस्ट जाती है फिर वो पड़ी रहती है, फिर लास्ट में बाहर कुत्ते या गाय को देनी पड़ती है,
तो सोचा कि आज पैक ही करवा लेता हूँ। मम्मी पापा भी हंस रहे थे कि बेवकूफ है क्या, मैंने कहा यार वेस्ट नहीं जाएंगी, बाद में मेरे को ही सुनाओगे। थोड़ी सी बारिश हुई है, रोडों के हाल देखे, इतनी सी बारिश में पूरी इतनी पूरी अभी भी गीली है, मतलब ड्रेनेज की तो माँ बहनों रखी है इंडिया की पूरे। गाइज आज का डिनर यहाँ पे होगा, दबा के चिकन फाड़ेंगे। ऐसे सीधा चिकन स्वीट कॉर्न सूप आ गया है, तुम भी यहाँ पे आना तो याला पीना, याला बेस्ट चैन का। बिना बटर चिकन के तो लाइफ ही नहीं है।